बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं अंडे के भजिए। क्यों रमजान आ रहे हैं? हाँ, तो आज का वीडियो है रमजान स्पेशल। अभी तो रमजान में ना बहुत से लोग अलग अलग तरीके भजिए ढूंढते हैं खाने के लिए या फिर बनाने के लिए, उसी तरीके से आज हम बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए एकदम यूनिक सी रेसिपी अंडे के भजिए, है ना। तो भाई इस साल आपको ऐसे ही अलग अलग तरीके के भजिए, अलग तरीके के स्टार्टर, अलग तरीके के चिकन की रेसिपी हम रमजान में आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि आज हम अंडे के पकोड़े बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे अंडे, चावल का आटा, बेसन, प्याज, गाजर, कैप्सिकम, यहाँ पे ली बेल पेपर, येलो वाली कैप्सिकम, कोथमीर, हरी मिर्ची, इनो, जीरा, चिली फ्लेक्स, काली मिरी, कुटा हुआ धनिया, अजवाइन। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हम ले लेंगे बेसन। तो बेसन ली हूँ यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच। आपको जितना बनाना है आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि मैंने 5 चम्मच ली तो आप भी 5 चम्मच लीजिए। आपकी सब्जी अगर थोड़ी ज्यादा है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब लेंगे हम यहाँ पे चावल का आटा। चावल का आटा मैंने ली हूँ इधर 3 चम्मच, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे ये गाजर। आपको गाजर डालना है या नहीं डालना है वो आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ली हूँ हरी वाली शिमला मिर्ची, ये लाल वाली शिमला मिर्ची ये आप लोग क्या बोलते हैं वो आप लोग बोल लेना। यहाँ पे डालूंगी मैं येलो वाली शिमला मिर्ची। अब डालेंगे हम थोड़ी सी प्याज। यहाँ पे मैंने प्याज ली हूँ 1 मीडियम साइज की, ठीक है। अब डालेंगे हम यहाँ पे कोथमीर। कोथमीर आपको जितनी चाहिए उतनी डालना। अब मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स, ठीक है। इसी के साथ मैं हरी मिर्ची भी डालूंगी। हरी मिर्ची आप जितना तीखा खाते हैं उतना डालना। अब मैं डालूंगी 1 चम्मच जीरा। यहाँ पे डालूंगी मैं काली मिरी। थोड़ा सा अजवाइन ले लेंगे, बेसन का कोई भी आइटम बनता है तो अजवाइन थोड़ा सा डाल दिया करो। और यहाँ डालेंगे हम कुटा हुआ धनिया। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालना। अब हम डालेंगे इसके अंदर अंडे। अंडे के पकोड़े हैं ना, तो अंडे डालेंगे अभी। तो अब इसी तरीके से मैं तीनों अंडे ऐड कर लूंगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी, यहाँ पे मैंने इनो ली हूँ, ठीक है। आप अगर बेकिंग सोडा लेना चाहे तो ले सकते हैं। इनो का पैकेट दिखाओ पीछे से। ये इनो का पैकेट ली हूँ मैंने। उल्टा। अच्छा, ये इस तरीके से। अगर ये नहीं रहा तो बेकिंग सोडा डाल देना, ठीक है। यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच लूंगी। इसमें 1 चम्मच भर के आता है फुल, लेकिन हम इसमें 1/2 चम्मच डालेंगे, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहां पर मैंने अच्छे से सारी सब्जी और प्याज वगैरह सब अंडे में मिक्स कर ली हूं, है ना। अब इसको रखूंगी 2 मिनट के लिए और हम अभी तेल गरम करने चढ़ाते। तो चलो यहाँ पे तेल हमारा गरम हो गया है और हमारा बैटर भी अच्छे से सेट हो गया है, ठीक है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। अब बनाते हैं पकोड़े। अब पकाते हैं पकोड़े। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे अगर आप लोगों को चम्मच के जरिए अगर जमता है तो आप चम्मच के जरिए बना लेना, लेकिन मुझे हाथ से ही जमता है तो मैं हाथ से ही बनाऊंगी। एकदम अलग और यूनिक बना रहे ना। मैं तुम्हें अंडे के पकोड़े बहुत अच्छे बनते, लेकिन ये भी
और ये कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। सोचना मत कि मैंने सब शिमला मिर्ची कच्ची डाली हो तो ये भजिए कच्चे बनेंगे, नहीं, हमने इसमें डाले हैं ना इनो, ये अंदर तक बन जाएंगे। और ये क्रिस्पी क्रिस्पी थोड़ा रहना चाहिए, मुंह में आना चाहिए, इसके लिए मैंने ये भाजी ली हूँ। अरे यार आप लोग बना के देख लेना कच्चे रह गए या नहीं। हाँ मस्त, ये एकदम इजी और झटपट वाली रेसिपी है, रमजान के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि झटपट रेसिपी ही चाहिए रहता है रमजान में, है ना। ये देखो वाव, मस्त बनेंगे ये भजिए। तो यहाँ पर 2-3 मिनट मैंने अच्छे से फ्राई कर ली हूँ मेरे पकोड़े, इसको अल्टी पल्टी कर लेना, 2 मिनट तक हिलाना मत, उसके बाद में हिला के आप फ्राई कर लेना एक जैसा। इसमें अपन साबुन का पानी डाले ना? अरे नहीं बेटा, ये बैदे के साथ में हमने इनो मिलाई लेना, तो उससे थोड़ा फेस आता है, उसका टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मस्त कलर वाले मेरे रंगीन भजिए फ्राई हो गए है, खा के देखना एकदम टेस्टी रहेंगे। लाल हली पीली शिमला मिर्ची है ना, लाल हरी पीली शिमला मिर्ची, ये नहीं आता ना अपने को। नहीं तुमको आता, तुम बोले थे, बोलो। हाँ, तो वो तो सिखाया था। हाँ। बेल पेपर बोलो, कैप्सिकम बोलो, तब मैं बोली थी। सही तो बोले। मेरे लिए तो तीनों भी कलर वाली शिमला मिर्ची और कुछ नहीं। इसी तरीके से मैं सारे भजिए तल लूंगी, एकदम मस्त बनेंगे ये भजिए, खाने में एक नंबर रहेंगे। चाहे इसको मेयोनीज के साथ खाइए, ग्रीन चटनी के साथ खाइए, केचप के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए, बहुत मजे के लगेंगे। फ्रूट के साथ भी अच्छे लगेंगे ना? हाँ, तो रमजान में फ्रूट के साथ ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि इसमें देखो मैंने चिली फ्लेक्स डाली हूँ, हरी मिर्ची डाली हूँ, काली मिर्ची पाउडर डाली हूँ, तो ये तीखे भी जरूर रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर मेरे सारे भजिए रेडी हो गए हैं। अंडे के भजिए मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ, ये मस्त है ना। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना अंडे का भजिया, रमजान स्पेशल, एकदम यूनिक और हटके बेहतरीन सी रेसिपी भजिए की, अंडे के भजिए, अंडे के भजिए, अंडा पकोड़ा और एग पकोड़ा, एग पकोड़ा कैसा लग रहा है जरूर बताना। देखो एकदम कलरफुल भजिए रहते ये, तीनों तीनों कलर के एकदम टेस्टी रहते, तीनों कलर के कैप्सिकम ये देखो सही में यार, ये ना सही में मेरे लिए तो भाई कुछ अलग और यूनिक रेसिपी है, दिख रहा है इसमें से लग ही नहीं रहा कि अंडा अम्मी ने डाले है। अभी आप लोगों के लिए लाना पड़ता ना, आप बोल रहे हैं ना नई नई रेसिपी बताओ, नई है नई रेसिपी करना पड़ेगा ना। अभी रमजान में से ज्यादा दूर नहीं, हार्डली ये वीडियो जब जाएगा तब उसके बाद 8 दिन बचे हो गए रमजान के लिए, तो भाई आपको अभी से ऐसे ही यूनिक यूनिक अलग अलग रेसिपी मिलेगी, कमेंट करके आप जरूर सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है क्या। रमजान को नजर में रख के एकदम छोटी छोटी डिश बना रही हूं, इजी और झटपट बन गई फटाफट। आप लोग अगर अपने घर पे बनाएंगे तो हार्डली 15 मिनट में तो बन ही जाएगा। हाँ, बस काटने का टाइम है, थोड़ा सब्जी, वो तो इंसान 4 बजे से ही चालू हो जाता है, 5 बजे से घटा कर सकता है। और हाँ, सब्जी मैंने मेरे हिसाब से ली, आप इसमें लंबी लंबी फ्रेंच बीन्स भी काट के डाल सकते हैं, हरी प्याज की सब्जी भी काट के डाल सकते हैं। मैं बताऊं तो अपने हिसाब से तुम, हाँ ये जरूरी नहीं कि हमने इतना कैप्सिकम लिए वो चुन के लाए। हाँ। नहीं यार ये तो बस आप लोगों को बताने का था। हाँ। करके हम लोग इतना करते, लेकिन नॉर्मली आप इसमें कांदा, आलू भी मिक्स करके भी बना सकते हो अंडा डाल के। इसमें खाली क्या है, अलग अंडा हमने ऐड किए हुए, जो कि अंडे का मजा अलग आएगा। कॉर्न है ना, कॉर्न को भी आप बॉइल करके रखे रहेंगे आपके पास, रमजान में तो देखो भाई अलग से अलग चटनी चाहिए होती है। हाँ। अभी तो हमने लिए कौन सी, कोकोनट पुदीने की चटनी, पुदीने की चटनी और टमाटो केचप, मुझे तो पूरे रमजान में टमाटो केचप लगता ही है। ये लो, कैसा है, कैसा है बताओ, मैं बता दो, क्रिस्पी वाला लिया और मैं तोड़ूंगा नहीं भाई, अपना लगेज बड़ा है। ये लिया केचप, ओहो भाई ये ना रमजान में ऐसा मैं मिस करूंगा और आप लोग भी मिस करेंगे, मुझे ऐसा खाता होगा देख, पूरे 30 के 30 रोजे में मैं खाऊंगा नहीं, अभी 4 से 5 वीडियो बचे तो आप लोग देख लो। ओए होए, हाँ रमजान में कहता है वीडियो बनाओ और सब दिखाओ, अरे बनाए बनाए और चले आओ, खाने भी नहीं मिलता रियाज को। हाँ इसके साथ क्या वेजिटेबल भी पेट में जाएंगे जो बच्चे वेजिटेबल नहीं। भाई मैं फिर भी एक बार आपको बोलूंगा, भजिए खाने के चक्कर में खाली भजिए ही नहीं हड़प जाना, सेहत का भी ख्याल। हाँ
खाली चखने के टेस्ट के हिसाब से भजिया खाया करो कम से कम। हमारे घर में तो बनते हैं, देखो प्याज के भजिए भी जरूर बनते हैं, आलू के भजिए भी बनते हैं, भजिए यानी के ना चाहिए ही चाहिए, या तो फिर चिकन के आइटम चाहिए, ये दो। क्योंकि ये जो एक महीना होता है ना, इसमें लोगों की डाइट भी अच्छी खासी हो जाती है और लोग खा भी अच्छे खासे लेते हैं। बोलते हैं कि रमजान में रोजा रखते हैं, खाना पीना बंद रहता है, लेकिन जो अफ्तारी होती है, कोई नहीं बोल सकता है, अफ्तार के बाद का टाइम होता है, वो इंसान ने दबा के खाता है एकदम। और ये गलत फहमी में भी मत रहना कि रोजे रहते तो दुबले हो जाते, नहीं होते। अगर आप भजी नहीं खाओगे, फ्रूट पे ध्यान दोगे ना, तब मैं बोलूंगा आपकी डाइट बहुत ही अच्छी होगी, आपको जिस टाइप का रखना है उस टाइप के आप रह सकते हो। हाँ, लेकिन कैसा रहेंगे जब थाल के अंदर रंग बिरंगी इतने सारे आइटम आपके पास सजे रहेंगे। कंट्रोल करने वाला इंसान हमेशा कंट्रोल करता ही है, भले रहेंगे भजी एक दो खाएगा, मैं अफ्तार में भजिए कम खाता है लेकिन लेता है, चिकन फ्राई है क्या, कबाब है क्या, सब थाली में देख लेता है। और एकदम दबा के भी नहीं खाना, सही में यार ये चीज मैं बता रहा हूँ आप, एकदम पेट भर के मत खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़े थोड़े देर में थोड़ी थोड़ी खा लेता है, फिर चले आता है उठ के नमाज के लिए, फिर आने का पूछेगा शरबत कौन सा बनाया। शरबत अपने वो बोलते ना, जूस ही शरबत आइटम चाहिए रहता है रमजान। फालूदा है अम्मी, और हमारे घर में हर चीज के 20 दिन फालूदा, कभी शरबत, कभी ये कभी वो बनते ही रहता है। लास्ट ईयर बना था मोहब्बत का शरबत, याद आया, मैं फालूदा भी डाली थी, फालूदा मोहब्बत का शरबत दोनों ऐड करी थी, पब्लिक कमेंट्स भी करी थी, नफरत का शरबत भी डालो। नफरत का, हाँ कुछ ऐसे टाइप का। तो भाई वीडियो कैसा लगा और ये अलग सा भजिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, सही में यार अलग है, यूनिक है, मजा आ रही है खाने में। तो आपको ना इसी तरीके के हर तरीके की रेसिपी आपको देखने मिलेगी, है ना, मस्त एकदम। और कुछ बोलना चाहेगी? नहीं, बोलना चाहूंगी कि बना बना के खाइए और मुझे फोटो जरूर भेजिए। हाँ ठीक है, तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस भजिए को यूनिक से अंडे के पकोड़े को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, अगर आप हमारी रेसिपी बनाते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। चलते हैं, तो चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय, दुआओं में याद रखना। और हाँ, रमजान में पूरे 30 के 30 वीडियो आपको मिलेगी, यानी कि रोज। हाँ, ये तो खुशखबरी हो गई है सबके लिए, ठीक है, चलो बाय, आएगी वीडियो, ठीक है, अपना ख्याल रखना।